hello beta how are you all i hope all of you are fine and you have given your examination that is the half yearly examination with full potential and still you are curious about the study okay beta so today we are going to start our new lesson that is the lesson of our english literature name of the lesson is what is the name of the lesson beta the name of the lesson Carves the intelligent crow it means the lesson that we are going to have an understanding is about a crow the crow and the behavior of the birds okay beta so in this lesson we are going to learn about what kind of behavior can be uh, happened to a man who treats the birds an or, ornithologist a person who treats the birds or who study the birds okay लेट्स कंटिन्यू स्टार्ट वट इज़ रिटन बेटा हेर इज रिटन प्रोफेसर शंकू इज आ फिक्शनल साइंटिस्ट क्रिएटेड बाय सत्यजीत राय फॉर आ सीरीज ऑफ साइंस बुक बेटा प्रोफेसर शंकु एक फाइनेंस सॉरी साइंटिस्ट हैं जो सत्यजीत राय के द्वारा एक सीरीज ऑफ साइंस फिक्शन बुक्स में बनाए गए हैं प्रोफेसर शंकु हैज़ अ बर्ड एज अ पैट उनके पास एक बर्ड है पैट के रूप में कैन अ बर्ड बी टोट टू स्पीक ये कह रहा है यहाँ पर कि क्या कोई चिड़िया किसी बर्ड को किसी पक्षी को हम बोलना भी सिखा सकते हैं एज वी आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट बेटा वी आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट दैरट्स पैरट्स आर क्वाल गुड लर्नर दे कैन स्पीक वट एवर वी टोट दैन वी टीच टैम ओके सो सेम थिंग हेयर वुड बी आंसर वॉट दैट येस वी कैन टीच अ बर्ड टू स्पीक वट अदर थिंग कैन बी लर्न कैन इट बी लर्न ये और क्या क्या चीजें सीख सकता है एक पक्षी लेट एस फाइंड आउट हाउ प्रोफेसर संगको ट्रेंड द बर्ड एंड अबाउट वॉट हैपन टू हिम अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर संगको ने चिड़िया को क्या क्या सिखाया और एक चिड़िया के साथ और प्रोफेसर के साथ क्या क्या सॉरी uh, क्या क्या घटनाएं घटी माई क्यूरोसिटी अबाउट द बर्ड्स डेट बैक टू अ लॉन्ग टाइम इन माई चाइल्डहुड वी हैड अ पैट मीना एट होम एंड आई हैड टू बैक्स वो कहता है कि पक्षियों के बारे में मेरी जिज्ञासा लंबे समय तक लंबे समय से रही है इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में वी हैड अ पैट मैना हमारा एक पक्षी था जो पालतू था जिसका नाम क्या था मीना एट होम जो हमने घर पर रखा एंड आई है हंड्रेड ऑफ Bengali words. और मैंने इसे सैकड़ों बंगाली वर्ड्स प्रोनाउंस करना उच्चारण करना सिखाए थे आई बिलीव दैन उस समय मैं ये विश्वास रखता था उस समय मेरी ये आ, मेरे विश्वास ऐसा था दैट बर्ड्स डिड नॉट रियली नो द मीनिंग ऑफ वर्ड दे रिपीटेड उस समय मैं सोचता था कि जो बर्ड्स हैं वो नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं व्हाट दे रिपीटेड वो बार बार क्या बोलते हैं बट आई हैड चेंज लेकिन मेरा जो ये है मेरी जो ये राय है मुझे चेंज करनी पड़ी एज माई मीना डेड समथिंग अमेजिंग जब मेरी मीना जो थी मेरा पक्षी था उसने कुछ अमेजिंग अमेजिंग किया था मीनस कुछ रोमांचक किया था कुछ नया किया था क्या था वो वन आफ्टरनून एज वी वर अबाउट टू सिट टू लंच द मीना स्टार्टिंग क्या One afternoon, एक दोपहर जब हम लोग क्या वेन वी वर सिट अबाउट जब हम लंच के लिए जाने वाले थे मई मीना स्टार्टड स्क्रीचिंग वो चिल्लाने लगी अर्थक्वेक 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 वी फेल्ट न कुछ भी महसूस नहीं हुआ बट दे आर वॉज लेकिन वहां क्या था आर रिपोर्ट इन द न्यूज पेपर नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट द मिल्ड टैमर मिल्ड टैमर मीन्स बेटा मिल्ड टैमर मीन्स होता है हल्का झटका ठीक है तो लेकिन न्यूज़पेपर में क्या थी रिपोर्ट्स थी कि हल्का तूफान तो हल्के भूकंप के झटके आए हैं आई हैव मेंटेन्ड एन इंटरेस्ट इन बर्ड्स एवर सिंस और उसी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट है मेरी जो रुचि है किसमें आई हैव मेंटेन्ड इंटरेस्ट इन बर्ड्स एवर सिंस और इसी वजह से हमेशा से मेरा पक्षियों में काफी रुचि रही है एवरी लिविंग थिंग इज बोर्न विद स्किल्स ए स्पेशल ओनली ऑफ टू इट्स काइंड हर एक जो जीवित प्राणी है इस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसकी कुछ विशेष कुशलताओं के साथ और जो उसकी खुद की कुशलताएं होती हैं मैं ऐसा सोचता हूं बट इन कंपैरिजन बर्ड पजेस लेकिन अगर तुलना की जाए तो बर्ड सीम पजेस इन माय ओपिनियन एबिलिटीज एबिलिटीज मोर स्टार्टलिंग स्टार्टलिंग मीन जो अचंबित करती है देन द रेस्ट लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो एबिलिटीज मेरी राय में ऐसा है मेरा ओपिनियन अगर समझा जाए कि जो बर्ड्स हैं उनके पास जो एबिलिटीज हैं वो सभी से अलग हैं इट इज फॉर दिस रीजन ऐसा इसलिए है क्योंकि आई गिव मोर ऑफ माय टाइम एंड थॉट टू बर्ड्स ऐसा इसलिए है कि मैं अपना ज्यादा समय और अपने विचार ज्यादा किसके साथ रखना चाहता हूँ पक्षियों के साथ सेप्टेंबर ट्वेंटी का इंसिडेंट है बेटा डायरी है ठीक है द वर्क ऑन माई बर्ड इंस्ट्रक्टिंग मशीन इज प्रोग्रेस अब क्या है अब जो साइंटिस्ट है वो क्या बना रहे हैं एक बर्ड इंस्ट्रक्टिंग मशीन बना रहे हैं और उसका वर्क उनका प्रोग्रेस में है माई मशीन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल वन मेरी मशीन एक असाधारण सी मशीन होगी इट विल कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस इसमें दो भाग होंगे क्या क्या वन सेक्शन विल हाउस द बर्ड एक सेक्शन क्या होगा बर्ड का हाउस वाइल द सेकेंड सेक्शन लिंक्ड विद द फर्स्ट और दूसरा सेक्शन क्या जो दूसरा भाग होगा वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा विल बी सेंडिंग आउट इंटेलिजेंस विल बी सेंडिंग आउट इंटेलिजेंस टू द बर्ड्स ब्रेन टू द बर्ड्स ब्रेन बेटा ये नेक्स्ट लाइन पर है मैं सॉरी नेक्स्ट पेज पर है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या हुआ वो कह रहा है कि मेरी जो मशीन है उसमें दो सेक्शन होंगे एक सेक्शन में घर होगा उसका चिड़िया जहाँ पर रहेगी और दूसरा सेक्शन इसी से जुड़ा होगा एंड विल बी सेंडिंग आउट इंटेलिजेंस टू द बर्ड्स ब्रेन और वो क्या बर्ड्स के ब्रेन में जो इंटेलिजेंस है मीन्स जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ धीरे धीरे उन चीज़ों को बर्ड्स के ब्रेन में एंटर कराएगा ठीक है द बर्ड्स ब्रेन ठीक है ये था आई विल कोल इट ऑर्नीथॉन मशीन ऑर्नीथॉन मशीन मीन्स वो मशीन जो किसके लिए यूज होती है पक्षियों के ऑर्नीथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द बर्ड्स तो इसी लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसका क्या नाम लिखा था दैट इज ऑर्नीथॉन मशीन ठीक है फॉर द पास्ट वन मंथ आई हैव बीन स्टडिंग ऑल द बर्ड्स वो कह रहा है राइटर कि मैं पिछले एक महीने से मैंने स्टडी की है किसके बर्ड्स के बारे में दैट केम टू

आई कैन रिकोगनाइज दिस क्रो फ्रॉम द tiny वाइट स्पॉट अंडर इट्स राइट आई राइटर कहता है कि मैं इस बर्ड को पहचान सकता हूँ आई कैन रिकोगनाइज दिस क्रो आई कैन रिकोगनाइज दिस क्रो फ्रॉम द tiny वाइट स्पॉट अंडर इट्स राइट आई राइटर कहता है कि मैं इस कौए को पहचान सकता हूँ क्योंकि इसकी सीधी आँख के बाई आँख के सॉरी दाई आँख के नीचे एक सफ़ेद छोटा सा निशान है बिसाइड्स इसके साथ साथ इट्स एंटायर बिहेवियर इज क्वाइट अनलाइक अदर क्रोस वो कहता है कि पहला तो ये रीज़न है कि मैं इसे पहचान सकता हूँ इसकी आँख के नीचे एक सफ़ेद निशान है दूसरा क्या कारण है दूसरा कारण ये है कि ये जो बिहेवियर है इसका जो व्यवहार है कोवे का वो दूसरे कौ की तुलना में अलग है फॉर इंस्टेंस एकदम आई हैव नेवर सीन एनी आई हैव नेवर सीन एनी अदर बर्ड होल्डिंग अ पेंसिल इन इट्स बीक एंड स्क्रीबल ऑन द टेबल स्क्रीबल means घिसना या रगड़ना दूसरा वो कहता है कि और दूसरा मैं क्यों इसे पहचान सकता हूं क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी पक्षी को अपनी चोंच में पेंसिल पकड़े हुए और उसे टेबल पर घिसते हुए नहीं देखा रगड़ते हुए नहीं देखा यस्ट कल आई हैव टेकन बैक डिड कल मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया क्या देखकर जो मेरे साथ हुआ या जो मैंने किया आई वॉज वर्किंग ऑन द मशीन वेन आई हियर साउंड मैं मशीन पर कार्य कर रहा था ठीक है जब मुझे सुना क्या स्क्रेचिंग साउंड स्क्रेचिंग साउंड मीन कुछ घिसने की आवाज टर्निंग अराउंड मेरे चारों ओर घूम रहे आई सो दैट द क्रो हैड आई सो दट क्रो है

तो क्या कहा उसने राइटर ने राइटर ने कहा कि मुझे मैं क्या हो गया मजबूर हो गया इस कोवे को उड़ाने के लिए वहां से क्यों क्योंकि हो सकता था इससे आग भी लग जाती रियली क्लेवर बर्ड मुझे क्या महसूस हुआ कि वास्तव में बहुत चतुर पक्षी है जस्ट अ काइंड टू यूज फॉर माई एक्सपेरिमेंट आई थोट राइटर को क्या लगा कि ये उस तरह का पक्षी है जैसा मेरे एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू कर सकता है September 27. Next, I have finished assembling the ornithon machine. Means writer कह रहा है मैंने जो मेरी ornithon machine थी उसे assemble कर दिया था. Since morning सुबह से the crow had jumping from window to window in the laboratory. Morning से ही जो वो कह रहा है वो क्या एक window से दूसरी window पर उड़ रहा था या कूद रहा था. As soon as I kept the machine on the table. जैसे ही मैंने मशीन को कहाँ पर रखा टेबल पर रखा एंड एंड ओपन द केस डोर और मैंने इसके केस का जो इसका जो इसका पिंजरा है उसका क्या डोर खोला ओपन किया क्या हुआ आई होप्ड इन आई होप्ड इन मुझे क्या महसूस हुआ या मेरी क्या आशा थी इट सीम्स टू बी ईगर टू लर्न मुझे महसूस मैं बहुत ज्यादा क्या था उत्सुक था बहुत ज़्यादा उत्सुक था ये सीखने के लिए आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद अ लैंग्वेज टीचिंग क्या क्योंकि मैं अब चाहता था कि मैं इसे लैंग्वेज टीचिंग सिखाऊं क्या सिखाना चाहता था मैं इस कोवे को बेसिक बेंगोली एज ऑल टीचिंग इंस्ट्रक्शन हैव बीन प्री रिकॉर्डेड जितनी भी टीचिंग इंस्ट्रक्शंस uh, थी वो मैंने पहले से ही इस मशीन में रिकॉर्ड कर ली थी आई हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट प्रेस अ फ्यू बटन्स मुझे अब केवल क्या करना था मुझे कुछ नहीं करना था बस कुछ बटन ही दबाने थे आई हैव नोटिस अ सरप्राइज थिंग मुझे महसूस हुआ नोटिस अ सरप्राइजिंग थिंग मुझे महसूस हुआ कि मैंने कुछ अजीब सा देखा है या महसूस किया है एज सुन एज जितनी जल्दी आई प्रेस द बटन जैसे ही मैं बटन दबाता द क्रोज आई बिगन टू क्लोज एंड साइमल्टेनियसली इट्स मूवमेंट ऑल्सो स्टॉप जैसे ही मैं बटन दबाता जो कोवा था वो अपनी आंखें बंद कर लेता और उसके साथ साथ क्या हो जाता वो अपनी मूवमेंट जो थी उसे रोक लेता इफ माई फैथर्ड फ्रेंड इज़ रियली एबल टू अगेन सम ह्यूमन इंटेलिजेंस इफ़ माई फेदर्ड फ्रेंड इज रियली एबल टू गेन सम ह्यूमन इंटेलिजेंस जब मुझे ऐसा ऐसे कर रहा कोवा में व्यवहार वो ऐसे कर रहा था कि मेरा जो ये दोस्त है ये मित्र है ये एबल है सम ह्यूमन इंटेलिजेंस सम ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट करने में आई कुड टेकन हिम आई कुड पर हिम फॉर आ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मैं अब इसे लेके जाना चाहता था किसके लिए लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एट द ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट अब राइटर ने क्या डिसाइड किया कि मैं वास्तव में अब शायद मेरा मन है कि मैं इसे लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन के लिए लेकर जाऊं किसी के पास जो क्या करता है पक्षियों की स्टडी करता है कॉन्फ्रेंस इन सेंटियागो इन नवंबर कॉन्फ्रेंस कहाँ थी सेंटियागो में कहा कब थी नवंबर में ठीक है आई हैव ऑलरेडी रिटिन माई ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रेंड रफस ग्रैंड इन द कनेक्शन इसी रूप में या इसी प्रस्ताव के रूप में इसी बारे में मैंने अपने दोस्त उसका नाम क्या था बेटा राइटर के दोस्त का नाम रफस ग्रैंडफेल रफस ग्रैंडफेल को मैं पहले ही लिख चुका हूं कि मैं ऐसा चाहता हूं अब क्या हुआ बेटा अक्टूबर फोर कॉर्वस इज द लैटिन नेम फॉर द क्रो फैमिली क्रो फैमिली के लिए कॉर्वस एक लैटिन वर्ड है ठीक है आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग माई पीपल बे हिज नेम मैंने अब अपने जो मेरा जो शिष्य था ये कौआ इसे मैंने इसके नाम से बुलाना शुरू किया कार्वस इज लर्निंग इंग्लिश नाउ अब मैं कॉर्वस को इंग्लिश सिखा रहा था डिमोन्स्ट्रेशं दर्शा रहा था अबाउट हाउ मेड इट नेरी अबाउट डिमॉन्स्ट्रेशंस अब्रोड हाउ मेड हिट नेसेसरी

लेकिन दोपहर को वो कहा जाना पसंद करता था वो पसंद करता था पर जो आम का पेड़ है उसके ऊपर जाना पसंद करता था जो मेरे बगीचे में था हैज़ रिप्लाइड माई लेटर ग्रैंडफल ने मेरे पत्र का उत्तर दिया आस्किंग मी टू रीच सेंटियागो विद द क्रो ऑन द डेट एंड द टाइम फिक्स फॉर द कॉन्फ्रेंस जो मेरा फ्रेंड था राइटर का ग्रैंडफिल उसने उसे लेटर लिखा रिप्लाई में और कहा कि आप पेंटिया और उन दोनों ने एक डिस जो डेट फिक्स थी किसकी डेट फिक्स थी बेटा कॉन्फ्रेंस की जो डेट फिक्स थी उस डेट पर उसे पहुंचने के लिए वहां कह दिया ठीक है आगे देखते हैं कार्वस हैज मेड अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस कार्वस की जो प्रोग्रेस थी उसकी जो मींस स्थिति थी सुधार था वो बहुत बेहतर था पिछले दो वीक्स में विद पेंसिल हैल्ड इन इज़ बैक अब वो अपनी चोच में एक पेंसिल को पकड़ता कार्वस इज राइटिंग इंग्लिश लेटर्स एंड न्यूमरल्स अंग्रेजी सब सॉरी अक्सर और नंबर वो लिख सकता था द पेपर हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड कार्वस राइट जब मुझे कार्वस से लिखवाना होता था मैं टेबल पर एक पेपर रखता और कार्वस इसके खड़े होकर इसके ऊपर खड़ा होकर लिखता था ही कैन राइट इज नेम कार्वस अब अपना नाम भी लिख सकता था डू सिंपल सम्स उसे सिंपल सम्स अगर दिए जाए वो उन्हें भी कर सोल्व कर सकता था और क्या कर सकता था बेटा and come, come out with months, dates and days. और वो जान चुका था महीनों के बारे में तारीखों के बारे में और दिनों के बारे में ही कैन इवन राइट माई सर नेम पीस ऑफ पेपर एक पीस ऑफ पेपर पर अगर राइटर कह रहा है कि अगर मैं अपने कार्बस से कहूं से कि वो मेरा नाम लिखे तो वो एक पीस ऑफ पेपर पर मेरा नाम भी लिख सकता था इफ इफ आस्ट टू डू सो यदि मैं उससे ऐसा कहूं नेक्स्ट बेटा कार्वस कैन नाउ बी नवंबर सेवेंटी सेवन कार्वस कैन नाउ बी प्राउडली प्रेजेंटेड इन द साइंटिफिक सर्कल

जो क्वेश्चन में वो उससे प्रश्न पूछता था उनके आंसर कर सकता था मैथमेटिक्स में हिस्ट्री में जोग्राफी में एंड द नेचुरल साइंस विच कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड वर्ड्स कॉर्वस केवल उन प्रश्नों के उत्तर दे सकता था जिनमें कुछ नंबर्स से आंसर हो या फिर उसमें कुछ ही वर्ड्स इट मीन्स दैट इज प्रोग्रेसिंग अ लोट्स देर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंट इन हिस्ट्री इतिहास में एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा है एज फर एज आई नो जितना मैं जानता हूँ ऑफ अ बर्ड एजुकेटिंग एस कार्बस कि किसी भी पक्षी ने इतना सीख लिया हो जितना कि इस कोवे ने सीखा है आई रिसीव्ड अनदर लेटर फ्रॉम ग्रैंडफेल येस्टे कल रात मुझे ग्रैंडफेल से एक नया लेटर मिला ही इज इन सेंटियागो वो कहाँ पर है सेंटियागो अवेटिंग और अराइवल एट द कॉन्फ्रेंस और वो वेट कर रहा है इंतजार कर रहा है हमारे पहुंचने का उस कॉन्फ्रेंस में माई पेपर फॉर द कॉन्फ्रेंस इज़ बेस्ड ऑन द यूनिक नॉलेज मेरा जो पेपर था कॉन्फ्रेंस के लिए जो मैंने प्रिपेयर किया था वो एक अलग तरह के ज्ञान पर आ, आधारित था आई हैव गैदर्ड ड्यूरिंग आई हैव गैदर्ड ड्यूरिंग माई लास्ट टू मंथ्स ऑफ रिसर्च बर्ड स्प्रेन मैंने वो सभी चीज़ें गैदर इकट्ठा की हैं जो मैंने पिछले दो महीनों में एक चिड़िया के या एक पक्षी के आप दिमाग के बारे में सीखी हैं या इकट्ठा जानकारियां इकट्ठा की हैं। कार्वस विल बी देयर इन पर्सन टू साइलेंस माई क्रिटिक्स वो कह रहा है कि कार्वस वहां पर वो होगा वो पक्षी होगा जो उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा देगा जो मेरा क्या करते हैं मेरी आलोचना करते हैं ठीक है बेटा सो दिस इज वोट दिस इज बेसिकली ये स्टोरी ये एक स्टोरी है जिस स्टोरी से हमने सीखा है कि एक पक्षी के बारे में साइंटिस्ट ने लिखा है बेसिकली दिस इज द डायरी ठीक है बेटा ये स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह से हम डायरी लिख सकते हैं और यही इस स्टोरी में सिखाया भी गया है सो द इंसिडेंट टू द राइटर द इंसिडेंट टू द साइंटिस्ट उसने उन सभी को अपने डायरी के रूप में यहां पर लिखा है डायरी से कुछ एक्सट्रैक्ट लिए हैं और उन्हें यहां पर लिखा है ठीक है बेटा सो हेर इज अ होमवर्क फॉर यू यू मे राइट योर ऑन डायरी एंड सेंड इट टू मी इट मींस रिलेटेड ऑन योर वॉट डेली वर्क वट एवर यू यूज टू डू सो दैट्स माइट बी हेल्पिंग यू टू यस टू वोट टू जस्ट एनहेंस योर राइटिंग एबिलिटी ओके अभी आपके लिए यहां पर क्या है बेटा लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िए जो बुक एक्सरसाइज है उसे फिल करने की कोशिश कर दिए इन द लेक्स लेक्चर वी शैल बी कम्प्लीटिंग द बुक एक्सरसाइज एंड एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स ओके टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ थैंक यू हैव अ गुड डे